दीवा कभी तेल की सरों दी जला ले थी, कभी मोमबत्ती पैसा हो तो मंगा ली थी। और क्या करे, मुंडा मर गया, पैसे नहीं भरा पाया, फिर अगले ने काट दिया। मैं गई थी दफ्तर एक बारी, जब तुरदी थी उथे सारे ने की मिन्नता कर ली, जितने बैठे थे गए अंदर बाहर, कहते ना थोड़ा माफ नहीं होना, ये कहते वोटे दे दो असि थोड़ा मीटर लगवा देना, थोड़ा आ कह देना, थोड़ी गरीबी दूर कह देना। कोई पूछता ही नहीं हैगा, मुड़ के नहीं आता। जब जीत जाते, जब उनकी जीत हो जाती, जब पूछता ही नहीं। और मैं तो कहनी मेरा मीटर लग जाए चाहिए, और क्या कर सकते। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਗਲੀ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲਾ राणी ने दस्सिया कि करीब 3 साल पहला उन्हां दा बिजली दा बिल करीब 25,000 रुपए हो गया सी, जो ओह नहीं भर सके तां कनैक्शन कट दिता गया। उन्हां दे एक पुत दी मौत हो चुकी है ते दूजा पुत बिजली ना होण करके खुद किराए उपर रहिंदा है ते उन्हां दा कोई सहारा नहीं है। इस तो पहला जदों साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बकाए मुआफ किते तां उन्हां ने बिजली दफ्तर च संपर्क किया। बकाया तां मुआफ कर दिता गया पर कनैक्शन चालू नहीं किया गया। बिजली वालियां दे कहण उपर नवां कनैक्शन लैण दे लई फीस भर के फाइल जमा कराई गई तां जेई मौके ते आके कहंदा है कि एक कमरा टा दिओ क्योंकि उपरों हाई वोल्टेज तारां निकलदियां ने, कमरा टाउन मगरों कनैक्शन मिल सकेगा। भाई दिक्कत यही है कि जब कनेक्शन कट गया, मीटर कट गया, पैसे नहीं जमा करा पाए, काट देने। मेरे को तो कोई था नहीं था, उन बच्चे के मुंडे के गलती तेरे पर मतलब है, बिल पता ही नहीं लगे, बिल इनके यहाँ गायब करते रहा। जब 20,000 17,000 रुपया पता नहीं 20,000 हो गया तो वो कनेक्शन काट गए। कनेक्शन काट गए उसके बाद मीटर ले गए पट के। ये असी मैं बीमार माई थे परे रहन, तो किसी ने कहा भी कि भाई मतलब मीटर ना कटाओ और तो किससे नाल पैसा जमा करा दे, किसी तो मीटर नहीं भाई मीटर लगना औखा हो जाना। उन्हें कहा जरूर है मगर ये नहीं माने है जी, वो खाली करा कटा कुटो के यहाँ सब आप अपन चंडी चल गए, किराए तरह चले गए हैं जी, आप अकेले रह गए सब जने। पहले क्यों पहले किसी ने नहीं किया, पहले कहने से सवाल ये नहीं है कि जब वोटिंग टाइम पर आते हैं तब वो कहना जो काम होगा तो आधा काम होगा है। मकान भी बना के देवेंगे, नलका भी लगा के देवेंगे, दवाइयाँ भी पैसे तनु मिलेंगे, सारे मतलब वादे करते हैं। मगर वादे के बजाय किए वो तो ये भी नहीं देखा यहाँ कि देखा भला कि मार्गे क्या आएगा, या पानी पीते हैं या नहीं पीते। गुजारा फिर दे होंगे, जैसे मिल गया था ठीक है, नहीं मिले पर बैठे अंधेरे से किस तरह रहने हो। अंधेरे से फिर रहने मोमबत्ती जला लो, और तो कोई साधन तो है ही नहीं। मिट्टी का तेल भी नहीं है कि दीवा जला ले, लालटेन जला लीजिए। गैस जलाओ, गैस में है तो सुन लो वो भी है, इससे नहीं चलता है। बगैर दवाइयाँ कोई दे के नहीं देता है। जब आप चले गए गिरते फिर तो चले गए, या तो फिर कोई ऐसे मिन्नता कह ली तो आ गया तो ठीक है। दफ्तर तक गए, दफ्तर तक गए, दफ्तर तो हम अकेले जानते नहीं हैं, तुर के तो हम जा नहीं सकते न। आप ले गए मिन्नता करते ना, देख लो लेके जानते हैं सानू सब हर मामले तेरे खड़े हैं। बिजली वाले तो कहते हैं, बिजली वाले कहते हैं भाई जा के कहते फिर देखे नहीं, कहना फिर नहीं लगना है मीटर है, कहना तार ऊपर आएगी, कहना ये कानून मैं ख़त्म करती। कोई गलत बात कहते हैं, वादा करते हैं तो हम वादा के यहाँ देखते हैं। ये आप कहते हैं कि अच्छे तेरे कुर्सी तेरे उतर के नहीं जाना है, उठ के नहीं जाना है, हम बैठे चाहे 24 घंटे हो जाए। लाइट जी पैसे खड़े थे, पैसे नहीं भरा पाया तो मुंडा मर गया, पैसे नहीं भरा पाया, फिर अगले ने काट दिया। फिर क्या करिए जब है ही नहीं कुछ मेरे को। मैं गई थी दफ्तर एक बारी, जब तुरदी थी उथे सारे ने की मिन्नता कर ली, जितने बैठे थे गए अंदर बाहर, कहते ना थोड़ा माफ़ नहीं होना, तुसी तिवारी की जाति, तुसी पंडिता ही वैसे नहीं माफ़ करना। असी जी मिन्नता करके आ गई, 1,000 रुपया जद मेरा खड़ा था वो जमा तो करा देन, उसके बाद ये कुछ हो गया मेरे नाल। कोई पूछन तक के नहीं आवा, लावन तो बड़ी दूर, पूछन नहीं आया कोई। हाँ कई बारी इतने वोटे मांगी नहीं, असी कहते वोटे दे दो असि थोड़ा मीटर लगवा देना, थोड़ा आ कह देना, थोड़ी गरीबी दूर कह देना, थोड़ा कमरा पक्का बनवा देना। कमरे में खड़ी खड़ी कही गई, कमरा गिरदा थी, कहते असी मीटर थोड़ा वो कमरा बनवा देना। कोई पूछन भी नहीं, अड्डा अड्डा पानी इतने खड़दा से कमरे में, कोई पूछता ही नहीं हैगा, मुड़ के नहीं आता। जब जीत जाते, जब उनकी जीत हुई, जज पूछता ही नहीं। माता जी तुसीं तां चल भी नहीं सकदे, काम किवें करदे हो नेरे च? बस जी दीवा, कदी तेल की सरों दी जला ली, कदी मोमबत्ती पैसा हो तो मंगा ली, और क्या करी, रोटी तो बना के खानी होए। किसी राशन दा जां दवाइयां दा फिर किवें गुजारा हुंदा? राशन के बस इदा हैगा, 1500 मिलते ने, वही राशन वही सब्जी दाल, बस कौन करता हैगा? कोई भी नहीं करता। इन्हें तो अपनी दवाई चलती परी, ये देखो आ देखो, मैं तो अपनी दवाई खानी, मेरी अंदर धरी, डॉक्टर को उधार करी आई थी, कभी दे आई थी, जब पेंसिल मिलती दे आई थी, नहीं ना कि मंगा ली थी। असं तो उम्मीद यही रखा सीगा, जो जीत जाना तो मीटर साडा लग जाऊगा, बिजली माफ हो जाएगी। बिजली तो माफ हो गई, मीटर नहीं लगता। हुन मैं तो कहनी मेरा मीटर लग जाए चाहिए, और क्या कर सकती, मेरा मीटर लग जाए भाई। जो कुछ हैगा, मेरी भी अंधेरे में काम नहीं होता। पुत गिर पारी तो मन का ही ले तुरे नहीं, थोड़े सामने तो सोटी लेकर तोरी रही, मैं कहाँ तोरी पाई थी? बैठे को उठे नहीं पाई थी, अ बैठी जाओ तो उठे नहीं पाई, फिर सहारा दिन दे ता मैं उठ ऐसे खोजती आ मन के ही ले जी। ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਕੌਂਸਲਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੀ ਆਪ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। फिर अज मैं दोबारा थोड़े नाल कॉन्टैक्ट किया भी इस तरह करके दिक्कत आ रही है। फिर उस तो बाद हुण तुसीं आए, तुसीं आप देख ही लिता भी कितनी मुश्किल नाल रह रहे ने। हाँ जी, हुण उन्हां दी नज़र दे विच मामला आ गया। कल मैं खुद जाके पर्सनली मिलूँगी तरनप्रीत सिंह सोन जी नूं, तां फिर उन्हां दे सामने दोबारा मुद्दा लैके आने आ भी इन्हां दा जिन्नी जल्दी हो सके हल करवाने। खन्ना तो तरमिंदर सिंह दी रिपोर्ट, द समर न्यूज़।